क्या व्यवस्था है और कितना तैयारी हो चुके हैं तेला जानबो और कथा स्थल तक कैसे पहुंचना तेला ए वीडियो में पूरा आपला जानकारी मिली। संगवारी बोर्ड में देख सका था आप मन अमलेश्वर 5 किलोमीटर की दूरी में है, वहाँ देवघाट 2 किलोमीटर की दूरी में, अवे तरफ पूरा खाली जगह हवा है, एमन में पूरा पार्किंग व्यवस्था रही। संगवारी तो ये देख सका था पूरा पंडाल अभी रेडी हुआ था, बहुत जोरदार बहुत बढ़िया लगा थे और पहली बार करवा था मनु भैया जिला पंचायत सदस्य हरे। हेलो नमस्कार जय जोहार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संगवारी मैं दीपक सागर वंशी, स्वागत है आप सभी के फिर से मोर एक नए ब्लॉग में। संगवारी तो मैं अभी जात हूँ अमलेश्वर महादेव घाट के पास है अमलेश्वर गांव, जहां अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण कथा होने वाला है 27 मई से 2 जून तक। और अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण कथा कुरुद में हुआ था, वह कुरुद धमतरी में। एगर से पहले आप मल्ला में वीडियो दिखलाए हैं वहाँ के, आवाज़ लेके चलूँ आप अमलेश्वर। अमलेश्वर में अभी का व्यवस्था है और कितना तैयारी हो चुके हैं तेला जानबो और कथा स्थल तक कैसे पहुँचना तेला ए वीडियो में पूरा आप जानकारी मिली, तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहो। अभी मैं खड़े हूँ रायपुरा में, संगवारी देख सका था अभी ए वाला रोड हवा है दुर्ग, ए वाला रोड हवा है दुर्ग से जो आते और ये सीधा लेके जाते आरंग सराय पाली। तो संगवारी बीच में आप लोग ओवरब्रिज नहीं चढ़ना है, ओवरब्रिज से पहली साइड में एक रास्ता हवा तेला आप लोग वीडियो में देख लाऊँ, हमारा जाना है महादेव घाट की ओर। तो वीडियो में आप बने रहो और चलो वीडियो स्टार्ट कर सन। तो संगवारी ए बोर्ड देख सका था महादेव घाट की ओर हमन ला जाना है और आप बने रहो वीडियो में कंटिन्यू, वीडियो में आप ला पूरा जानकारी मिली कथा स्थल तक कैसे जाना है। तो देख सका था बोर्ड में अभी रायपुरा के पास हम यहाँ और यहाँ से अभी हमन जाबो महादेव घाट रोड की ओर। तो आप ला बताना चाहूँ कि ए रोड सीधा आरंग की ओर लेके जाते, तो यहाँ से आप ला नहीं जाना है, साइड से आप ला जाना है ये तरफ से अंडर ब्रिज होते हुए। संगवारी तो जो यहाँ से आ था आप मन हाँ दुर्गा राजनांदगांव भिलाई ये क्षेत्र से जो आऊँ तो यही रोड से ही आप मन हाँ जा सका था और अंदर अंदर उस तरफ से भी रोड आया हुआ है, सिरसा भिलाई के पास से भी रोड कटे वहाँ से आप अंदर अंदर आ सका था, लेकिन जो हाईवे से आवा था वह या आरंग सराय पाली की ओर से आई तो यहीं से ही कट के आप मन ला जाना है। तो मैं आप मल्ला लेके चलता हूँ अमलेश्वर और ये देख सका था अंडर ब्रिज आगे है, अंडर ब्रिज से हम मल्ला राइट लेना है, ये दाहिना साइड में मुड़ना है मल्ला, ये जगह थोड़ा ट्रैफिक रिसे संगवारी देख सका था। तो हम ये साइड मुड़थन संगवारी बोर्ड में देख सका था आप मन हाँ अमलेश्वर 5 किलोमीटर की दूरी में है, वहाँ देवघाट 2 किलोमीटर की दूरी में। तो ये वाले रास्ता से चलते हैं, रिंग रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर की दूरी में है अमलेश्वर। तो आप ला लेके चलता हूँ, ये है महादेव घाट रोड। संगवारी तो ये रोड ला आप ला पकड़ के सीधा सीधा जाना है और कहाँ कहाँ से मिलना है पूरा जानकारी आप ला मिली वीडियो में, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। संगवारी तो ये देख सका था सीधा सीधा यदि आप मान ये तरफ से जा था सीधा सीधा तो महादेव घाट रो जा ही ये तरफ है महादेव घाट और ये तरफ देख सकता भी हमें लगने वाला है बैनर लगने वाला है शिव महापुराण कथा के, तो ये रास्ता से हमन चलथन। ये तरफ से भी आप महादेव घाट जा सकत हो और ये तरफ भी देख सकत हो बोर्ड में लिखे हुए है महादेव घाट सांकरा पाटन रोड, पाटन यहाँ 25 किलोमीटर है और ये है खारून नदी महादेव घाट के, और देख सकते हो ये तरह पूरा नाव रखा हुआ है, शाम को खूबसूरत वातावरण रखे यहाँ, ये है महादेव घाट देख सकते हो किस तरह से खारून नदी। रोड में देख सकता था दुर्ग 47 किलोमीटर, दुर्ग वाले मन भी आगे से आ सकते हैं, उसे 35 किलोमीटर है, पूरा काफ़ी अच्छा रोड बन चुके हैं अभी देख सका था, यहाँ भी पोस्टर में लिखे हुए है पूरा जगह के कहाँ कहाँ कितना किलोमीटर है, इस तरह होटल उटल है पूरा
संगवारी ये देख सका था, पोस्टर लगे हुए हैं, श्री शिव महापुराण कथा 27 मई से 2 जून तक होने वाला है। और एमा देख सका था, एमन आयोजन करता हवा मोहन साहू जी, पवन खंडेलवाल जी, विशाल खंडेलवाल जी। तो चलो आगे आपला कथा पंडाल की ओर लेके चलते हैं यहाँ। तो वीडियो में आप बने रहो संगवारी, और कहाँ कहाँ से मुड़ना है आपला पूरा बताऊँ वीडियो में, पूरा आपला संगवारी कहाँ कहाँ से मुड़ना है वो जगह के लिए आपला देखना हूँ। ऐसे में वीडियो पूरा लंबा हो जाए, देखूँ नहीं आप मन है, तो मैं कहाँ कहाँ से मुड़े हैं, कौन कौन जगह मुड़े हैं, वहाँ वहाँ जगह कितनी आप मन दिखाऊंगी। संगवारी के जगह रोड हुए देख सका था। तो संगवारी हमन ला जाना है, कुरमोड़ा लिखा है वही लाइन में जाना है, काबर यहाँ देख सका था पोस्टर लगे हुए है प्रदीप मिश्रा जी के। तो हमन यहीं से चलथन, ये है ओकर द्वार श्री हटकेश्वर नाथ शिव महापुराण कथा। तो यहाँ से हमन चलथन अंदर। संगवारी तो हमन पहुंच चुके हैं, देख सका था वो ज्यादा दूर नहीं है, जिसे कि अमलेश्वर 5 किलोमीटर लिखा है से, लेकिन हमन 5 मिनट में ही हमन हाँ यहाँ पहुंच गए हैं। और ये है ओकर द्वार देख सका था, अब ये तरफ पूरा खाली जगह हवा है, एमन में पूरा पार्किंग व्यवस्था रही। और ये बोर्ड में देख सका था पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले गुरु जी के श्रीमुख से श्री हटकेश्वर नाथ शिव महापुराण कथा 27 मई से 2 जून 2024 तक हुई। तो आप ले के चलते हो अंदर यहाँ से। तो संगवारी ये देख सका था, अभी यहाँ कुछ कुछ मीटिंग चला था है। तो आप ला मैं देखला था, ये है कार्यालय और कथा पंडाल बना थे, तेला देखला था पूरा आप ला वीडियो के माध्यम से। तो बाइक से ही आप ला देखला था, काबर अभी स्टेज बना था है। ये देख सका था अभी कितना तैयारी अभी चला था है, बैनर बड़े बड़े रखे हुए है। अब ये जगह में होने वाला है 55 एकड़ के जमीन में शिव महापुराण कथा होने वाला है, पंडाल देख सका था। ये पंडाल देख सका था अभी बना था है, यहीं से पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से शिव महापुराण कथा के आयोजन हुई और ये तैयारी अभी चला था है। ये तरफ भी एक द्वार बने है देख सका था, और कार्य जोरों शोरों से अभी चला था है। और सुलभ शौचालय के भी व्यवस्था हर चीज वहाँ पुराण कथा होते वहाँ रखे जाते, तो अभी ये कुछ छोटे से रखे है, अभी तैयारी चला था है पूरा। और ये तरफ भी अभी पंडाल बना थे, वो तरफ कुछ कुछ रही, भोजनालय के भी व्यवस्था हो सकते, वो तरफ पानी वानी रखे हुए, इधर पानी टंकी है। और कितना बड़े ग्राउंड है देख सका था, यहाँ पूरा बैठे के व्यवस्था फूल रही। और ये जगह से देख सका था पूरा नज़ारा यहाँ के संगवारी। तो ये देख सका था पूरा पंडाल अभी रेडी हुआ था है, और कितना कितना पंडाल बनी आगे जाने की कोशिश करबो। ये पूरा क्षेत्र देख सका था, कितना बड़ा क्षेत्र में हुआ था है, कितना बड़ा जगह है 55 एकड़ के जमीन देख सकता, जहाँ तक नजर जाए पूरा खाली है। और पूरा में शिव वहाँ पुराण कथा सुने बार भक्त गणमन आई देखकर बैठे की पूरा व्यवस्था आया, बहुत बड़े जगह में ये हुआ थे शिव महापुराण कथा। संगवारी तो ये देख सका था यहाँ पर अभी खड़े है, संगवारी ये देख सका था अभी ये खड़े है आयोजन करता मोनू साहू जी। और अभी पूरा बताही कि का कथा में व्यवस्था रही, किसे करना है, का कार्य करना है, तीन सब अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। और भैया श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए भैया? ये हमन मूल निवासी अमलेश्वर डी खरंगा। अमलेश्वर डी खरंगा, कैसे लगा था आप मतलब यहाँ से? बहुत जोरदार बहुत बढ़िया लगा थे। और पहली बार करवा था मनु भैया, जिला पंचायत सदस्य हरे और सभापति हरे, बहुत अच्छा लगा था। वो आगे भी करवाते रही बागेश्वर धाम के, हो सके मुरारी बाबू के, और आगे कहाँ कहाँ के आप मंत्री महापुराण का था? अभी ससुरार गाँव कुरूद में चला था मोर, अभी गुड़ियारी में हो सब है। जी जी।
लगातार शिव महापुराण कथा हुआ से छत्तीसगढ़ में और शिव भक्त भी बढ़ चुके हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आय से। तो का कहना चाहो, कुछ उपाय बताते तो करे हो? हाँ, उपाय भी करे है अपन, और उपाय के साथ साथ मंदिर वगैरह भी आस्था वास्ता सब चीज बढ़त, पूजा पाठ डेली होते हुए लेडीज जेंट्स में सब बढ़ते जाए, हिंदुत्व के आबादी बढ़ते जाते हैं प्लस, और मंदिर वंदिर को बनवाया है हमारे गांव अमनेश्वर डीम में, मंदिर बने हैं 3-4 मंदिर अभी बनत हवे और बनते रही आगे चल। क्या नाम लिखता हुई है? देव कुमार यादव। ठीक है भैया, श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। तो संगवारी अभी मैं आ रहे हैं अमनेश्वर, जहाँ अभी शिव महापुराण कथा 27 से 2 जून तक होने वाला है, और यहाँ का व्यवस्था रही तेकर पूरा मीटिंग चला था लाइव, आप मन ना देखना है वैसे पहली मोर वीडियो में का व्यवस्था, सब अलग अलग व्यवस्था मिले है, पार्किंग की व्यवस्था है, भोजनालय की व्यवस्था है, पानी पिए की व्यवस्था, जो भी कथा सुनने पर आई बीच बीच में प्यास लगते रोड से आपला पूरा रोड से पंडाल तक के पूरा आपला पानी की व्यवस्था देखे ला मिली, जगह जगह भोजनालय की व्यवस्था है, 7 के 7 दिन भोजनालय व्यवस्था लगातार चलत रही। साथ ही साथ यहाँ जो डोन पंडाल है बनी वो अभी 4 डोन पंडाल बनी बहुत भव्य, और बाद 2 छोटे छोटे और पंडाल बनी, और ओकर साथ साथ इतना बड़ा जो ग्राउंड है ओमा बनी 6-7 गेट रही एंट्री गेट, 6-7 जगह से आप मन आ सकते हो अंदर आओ, तो पूरा भी तो ये वीडियो में यही विराम देखा संगवारी, मिलता ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, श्री शिवाय नमस्ते।